तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फेसबुक लाइट पे अकाउंट क्रिएट कैसे करते हैं। दोस्तों मैं फेसबुक लाइट पे एक नया न्यू अकाउंट क्रिएट करके दिखाऊंगा, अकाउंट बना कर दिखाऊंगा। बस आप वीडियो को ध्यान से देखते रहिए दोस्तों, मैं बहुत ही कम समय में आपको एक अकाउंट बना कर दिखाता हूँ। अब दोस्तों फेसबुक लाइट को इंस्टॉल करके और जैसे ही आप यहाँ पर ओपन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों आपने ऑलरेडी फेसबुक पे अकाउंट बनाया होगा तो यहाँ पे वो सब अकाउंट शो करेगा। उसके बाद दोस्तों लेकिन आप यहाँ पे न्यू अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना है, क्रिएट न्यू अकाउंट के ऑप्शन पे क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। एंड उसके बाद दोस्तों यहाँ बोला है ज्वाइन फेसबुक, तो इस पर आपको नेक्स्ट कर देना है, यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। और नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पर आपको नाम डालना है कि किस नाम से आप अकाउंट बनाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों आप अपना नाम डाल देता हूँ जिससे मैं यहाँ पे अकाउंट बनाना चाहता हूँ सूरज। एंड लास्ट नेम में आपको कुमार लगाते हैं या फिर क्या आप टाइटल यूज करते हैं वो आपको यहाँ पे डाल देना है। तो मैं यहाँ पे सूरज और लास्ट नेम में कुमार डाल दिया हूँ। उसके बाद दोस्तों आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद दोस्तों आपका जो है यहाँ पर बोल रहा है इंटर योर मोबाइल नंबर, तो आप मोबाइल नंबर से अकाउंट बनाना चाहते हैं तो आप अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप साइन अप विथ ईमेल, यहाँ पे आप जीमेल से भी बनाना चाहते हैं तो आप बना सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पे अपना नंबर डालता हूँ, तो नंबर यहाँ पे मैं आपको अपना नंबर डालना है यहाँ पे। और नंबर डालने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे पूछ रहा है डेट ऑफ बर्थ, तो आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल देना है। मैं यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ डालता हूँ एंड यहाँ पे आपको अपना डेट ऑफ बर्थ डाल लेना है। एंड यहाँ पे डालने के बाद दोस्तों नेक्स्ट पे क्लिक करना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने को बोला है, आप मेल है या फीमेल यहाँ पे सिलेक्ट करना है। मैं यहाँ पे मेल पे टिक करता हूँ। एंड उसके बाद दोस्तों अब आप यहाँ पे देख पाएंगे कि क्रिएट ए पासपोर्ट के ऑप्शन में हम आ चुके हैं। तो यहाँ पे बोल रहा है कम से कम 6 कैरेक्टर का यहाँ पे जो है पासपोर्ट होना चाहिए, तो मैं यहाँ पे पासपोर्ट डाल देता हूँ। मैं यहाँ पे अपना पासपोर्ट डाल दिया हूँ और आपको अपना पासपोर्ट डाल लेना है और वैसा ही पासपोर्ट डालना है कि जो आपको याद रहे। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर देना है पासपोर्ट डालने के बाद। अब दोस्तों यहाँ पे जो है लिखा हुआ है फिनिश साइनिंग सेटअप साइनिंग अप, तो यहाँ पे मैं साइन अप पे क्लिक करता हूँ। तो अब दोस्तों यहाँ पे जो है तो दोस्तों यहाँ पे आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ रहा होगा, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आर एनी द चूज दोज अकाउंट योर्स। तो आपको दोस्तों यहाँ पे किसी पे सिलेक्ट नहीं करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है नो क्रिएट न्यू अकाउंट, इस पर आपको क्लिक करना है। एंड यहाँ पे दोस्तों आपको जो है थोड़ा सा लोडिंग होगा और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे देख पाएंगे कुछ अलग तरीके का यहाँ पे दिखाएगा, तो आप देख पाएंगे कि ये जो है अकाउंट जो है यहाँ पे शो कर रहा है। अब आपको यहाँ पे ओके पे क्लिक कर देना है। ओके पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको जो है यहाँ पे एडेड मेल पे क्या ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ से आप जो भी मेल सिलेक्ट करना चाहते हैं, इस अकाउंट से लिंक करना चाहते हैं, उसे यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे जो है ये वाला ईमेल यहाँ पे ऐड कर देता हूँ। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे जो है लिखा हुआ आ रहा है इंटर 5 डिजिट कोड फ्रॉम योर एसएमएस, तो यहाँ पे जो है इस नंबर पे जो है अभी एसएमएस आएगा 5 डिजिट का, तो यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते हैं। और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे ओटीपी आएगा, तो देखते हैं यहाँ पे हम मैसेज के ऑप्शन में जाते हैं, तो यहाँ पे दोस्तों थोड़ा सा वेट करेंगे तो ओटीपी आएगा। दोस्तों अगर आप में यहाँ पे वो ओटीपी नहीं आएगा तो आपको क्या कहना है, यहाँ पे आपको 3 ऑप्शन दिख रहा होगा, कन्फर्म वीया व्हाट्सएप, तो यहाँ पे व्हाट्सएप को सिलेक्ट कर लेना है। व्हाट्सएप पे तुरंत ही ये ओटीपी आ जाता है, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये जो है फेसबुक का ओटीपी यहाँ पे आ गया है व्हाट्सएप पे तुरंत इंस्टेंट, अभी सिलेक्ट किए हैं और आ गया है। तो यहाँ पे मैं पेस्ट कर देता हूँ। पेस्ट करने के बाद दोस्तों यहाँ पे आपको कन्फर्म के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों अब जो है लिखा हुआ आ रहा है हेल्प फ्रेंड्स फाइंड यू बाय एडिंग ए प्रोफाइल पिक्चर, तो यहाँ पे आप प्रोफाइल पिक्चर भी ऐड कर सकते हैं।
अब दोस्तों यहाँ पे आप प्रोफाइल फ़ोटो ऐड कर सकते हैं और उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो लगा सकते हैं। मैं फ़िलहाल स्किप कर देता हूँ एंड स्किप करने के बाद दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है फेसबुक इज बेटर विथ फ्रेंड्स, यहाँ पे टर्न ऑन कर देते हैं। टर्न ऑन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे जो है ये क्या है दोस्तों कि अब जो है कॉन्टैक्ट आपके कॉन्टैक्ट का भी ये नंबर पे ये नंबर जो भी सेव किया होगा उस पर ये अकाउंट्स। तो यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं कि मेरा जो है कुछ फ्रेंड यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है रिक्वेस्ट भेजने के लिए, तो यहाँ पे मैं जो है यहाँ पे एडेड फ्रेंड के ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ। तो ये दोस्तों ये इन पांचों पे है जो है फ्रेंड रिक्वेस्ट चला गया है। अब दोस्तों वो पांचों मेरा फ्रेंड बन चुका है और अब चाहते हैं आप और भी लोगों को फ्रेंड बनाना, तो यहाँ पे क्लिक करके और इस पर सेंड करेंगे ऐसे तो इस पर रिक्वेस्ट चला जाएगा। अब दोस्तों यहाँ से हम बैक आते हैं और आपको दोस्तों यहाँ पे प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ पे क्लिक करना है एंड यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों प्रोफाइल के ओपन को ओपन कर लेना है और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप चूज फ़ोटो पे क्लिक करके और अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करेंगे तो आपको दोस्तों यहाँ पे जो है अलाउ करना है एंड अलाउ करना है और उसके बाद दोस्तों आपको जो है गैलरी आपका ओपन हो जाएगा और आप दोस्तों वहाँ से आप फ़ोटो को सिलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख पाएंगे कि मेरा जो है ये गैलरी खुल के आ चुका है। अब दोस्तों यहाँ पे जो है आप कोई भी फ़ोटो सिलेक्ट करके और यहाँ पे जो है लगा सकते हैं। आप देख पाएंगे कि मैं जो हूँ ये वाला प्रोफाइल फ़ोटो लगाना चाहता हूँ तो ये सिलेक्ट कर लेता हूँ एंड उसके बाद दोस्तों अपलोड पर क्लिक करता हूँ तो आप देख पाएंगे कि ये जो है थोड़ा देर में जो है फ़ोटो अपलोड हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पे कवर फ़ोटो लगाने को बोला है तो आप यहाँ से कवर फ़ोटो भी लगा सकते हैं, तो मैं यहाँ पे कवर फ़ोटो भी आपको लगा के दिखाता हूँ। आपको दोस्तों यहाँ पे जो है कवर फ़ोटो लगा देना है इस तरीके से। अब आप यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे तो ये जो है अपडेट हो जाएगा थोड़ा देर में। तो अब यहाँ पे जो है अब बोला है एडेड योर करेंट सिटी, तो ये सब मैं नहीं डालता हूँ, आपको अपना सिटी का नाम डाल देना है जिस सिटी में आप रहते हैं, इतना काफ़ी है दोस्तों अभी के लिए। आप अकाउंट अगर क्रिएट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि मेरा जो है पूरा कवर फ़ोटो और प्रोफाइल फ़ोटो लग चुका है, यहाँ पे नाम है और इस तरीके का मेरा प्रोफाइल फ़ोटो दिख रहा है। यहाँ पे आप करेंट सिटी डाल सकते हैं, वर्क प्लेस डाल सकते हैं, स्कूल डाल सकते हैं, होम टाउन, रिलेशनशिप स्टेटस, ये सब आप डाल सकते हैं। यहाँ पर आपको फ्रेंड्स वगैरह शो करेगा, मेरा जो है अभी ज़्यादा फ्रेंड नहीं बना है, एक भी नहीं बना है, वो सब पे रिक्वेस्ट भेजा हूँ अभी, तो वो एक्सेप्ट करेगा तो मेरा आपका सारा फ्रेंड जो है यहाँ पे शो करेगा। तो इस तरीके से आप अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक